नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आसन भुजा और आसन कोण क्या होता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आसन भुजा क्या होता है। अंग्रेजी में एडजेंसेंट साइड्स बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आसन भुजा क्या होता है। किसी चतुर्भुज की यदि दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो तो इन दोनों भुजाओं को चतुर्भुज की आसन भुजा का युग्म कहते हैं, और आसन भुजाएं क्रमिक भुजाएं भी कहलाती है। इस प्रकार समझिए, कोई ऐसा चतुर्भुज दिया गया है जिसकी दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ है। जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम आपको फिगर के द्वारा बनाकर समझा देते हैं, जैसे में समझना है। जैसे एक चतुर्भुज यहाँ बनाते हैं, एक चतुर्भुज हम यहाँ पर बना डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज यहाँ पर बन चुका है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इस चतुर्भुज में क्या देख रहे हैं किसी भी चतुर्भुज के, इस चतुर्भुज के क्या कहा जा रहा है आसन भुजा के बारे में, कि दो भुजाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ है। जैसे हम कोई दो भुजा लेते हैं, जैसे मान के चलिए ए बी और बी डी ले लेते हैं, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि बी वाला जो, जहाँ पर हम यहाँ पर बिंदु दे रहे हैं, बी वाला जो पार्ट है वो क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। किसका किसका, ए का और डी का। ए का और डी का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, बी है, क्योंकि दोनों आकर मिल रहा है ना। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है। उसी प्रकार डी भी, यहाँ पर डी में भी देखिए एक बी का भी है और सी का भी। उसी प्रकार सी भी और ए भी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी चतुर्भुज की जो सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आसन भुजाएं होती हैं। आसन भुजाएं का मतलब दो भुजाओं का अंत बिंदु एक ही है। आप देख सकते हैं ना, जैसे बी और ए का अंत बिंदु क्या है, बी और ए का अंत बिंदु आप देख सकते हैं, बी और ए का नहीं, जैसे कि हम मान के चलिए कि सी और अगर हम बात करें बी, इसको मान लेते हैं इस भुजा को बी और इसको सी, तो इसका अंत बिंदु क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार आयत की आसन जो भुजाएं होती हैं इस प्रकार परिभाषित होती हैं। तो आप पूरी तरह समझ सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आसन कोण क्या होता है। आसन कोण को अंग्रेजी में एडजेंसेंट एंगल बोलते हैं। देखिए, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो दोनों कोण चतुर्भुज के आसन कोण कहलाता है। कोई चतुर्भुज दिया गया है तो उस चतुर्भुज को दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो दोनों कोण चतुर्भुज के क्या होते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे आपको एक चतुर्भुज यहाँ बनाकर दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से, एक चतुर्भुज हम यहाँ पर बनाते हैं, इसका नामकरण करते हैं। जैसे नाम देखिए ए बी सी डी, चतुर्भुज का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कोण बन रहा है, नियम क्या हमें समझना है, आसन कोण क्या होता है। तो किसी चतुर्भुज के दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो दोनों जो कोण बनेगा वो क्या होगा, चतुर्भुज के आसन कोण कहलाएंगे। कैसे, जैसे मान के चलिए हम कोण ए और कोण बी की बात करते हैं, तो कोण ए के बदला में हम क्या लिख सकते हैं वो आपको लिखकर दिखाते हैं। देखिए, तो कोण ए के बदले में हम लिख सकते हैं कितना, कोण ए के बदले में कोण सी ए बी लिख सकते हैं, कोण सी ए बी लिख सकते हैं। बी के बदले में क्या लिख सकते हैं, कोण बी के बदले में लिख सकते हैं कोण कितना, कोण ए बी डी लिख सकते हैं, कोण ए बी डी। तो इन दोनों कोणों में हम क्या देख रहे हैं, जैसे देखिए कोण सी ए बी ले रहे हैं तो इसमें कौन सी भुजा बीच में आ रही है, ए बी भुजा आ रही है ना। उसी प्रकार जब हम कोण बी ले रहे हैं तो ए बी डी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, ए बी भुजा उभयनिष्ठ आ रही है ना। इन दोनों में क्या है, ए बी भुजा क्या है, ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। यहाँ हम लिख भी देते हैं ये दोनों भुजा क्या कॉमन है। तो इस प्रकार प्रमाणित हो गया कि कोण ए और कोण बी क्या है, आसन कोण है। क्योंकि देख सकते हैं कोई भी कोण लीजिए, जैसे मान के चलिए कि डी भी लेंगे और सी भी लेंगे तो इसमें क्या होगा कि भुजा सी डी जो होगा वो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा ही। इस प्रकार सी और डी भी क्या है, आसन कोण होंगे। तो इस प्रकार समझा जा सकता है। तो मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आप तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।